पहली बात तो मलबा गिर रहा था ऑटोमेटो, उस एरिया से हम नहीं पहुंच पाए, मतलब हमका कोई भी नहीं पहुंच पाया उसमें। और जब मंदिर पर चढ़े, छत पर गए थे, जब देखा बंदा फंसा हुआ था, एक उसको हाथ में हिला रहा था बंदा, वो हाथ हिला रहा था, वो देख रहा था। जो स्कूटर गिरी हुई है, वो स्कूटर है उसकी मालिक की गिरी हुई है, इसमें मैं काम कर रहा था, उस समय मैंने केमिकल मंगाया था। अगर बाई चांस जैसे केमिकल लेने गए था बंदा, जो स्कूटर अभी गिरी है, 10 बजे बंद करी गई है, उसमें सर में चोट लगी थी। अब मैं छत जाकर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी। जो बच्ची पढ़ रही है इन्हीं का स्कूल है, लेकिन डरना तो स्वाभाविक। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं रखना चाहती अपनी बेटी को, अब तो मैं निकालना चाहती हूँ। कोई गरीब आदमी अपने मकान बनाता है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन हो जाता है, पैसे वाले मकान बनाते हैं उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई थोड़ा सा छज्जा बाहर निकाल ले गरीब आदमी, तो ये क्यों निकाला, ये क्यों इतना अंदर करो, ये करो वो करो, क्यों होता है ये सभी लोग यहाँ के रहने वाले हैं। और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे बच्चे इन्हीं लोगों के हैं, आसपास के बच्चे होते हैं। ये किसी का तो सिर फटा पड़ा था पूरा, एक ही तो टांग चली गई थी, बस वही देखा। मैं तो घबरा गई भैया, मैं तो चली गई थी, बस मैं तो और कुछ नहीं देखा। मेरा ये सवाल है कि ये स्कूल बन रहा था जिस तरीके से बनाया जा रहा था, क्योंकि ये बहुत कमजोर बिना पिलर का घर बनाया स्कूल बनाया जा रहा था, ये 4:30 बजे की, 4:30 बजे की ये घटना है। 2 बजे से पहले अगर ये इस तरीके से होती बहुत बुरा, क्या स्कूलों के बच्चे बहुत जाते हैं यहाँ से, बच्चे इतने बताओ क्या से हो रहा है। कॉलोनी में नहीं बनने चाहिए स्कूल, तो देखो कॉलोनी है ये, बाहर बनने चाहिए ना ये तो चीज। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर इस सेफ्टी का ध्यान नहीं रख दिया जा रहा था इस स्कूल में, तो यहाँ के बच्चे पेरेंट्स जो है उनको सोचना चाहिए कि सेफ्टी का अगर पैमाना नहीं है। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही मुखर्जी नगर में जिस तरीके से आग लग गई थी, और फिर वहाँ के बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट किए सरकार के खिलाफ। लेकिन वही चीज़ अगर पहले आप लोग ध्यान देते कि नहीं, अगर ये स्कूल का पैमाना, सेफ्टी का पैमाना अगर नहीं दिया जा रहा है, तो गार्जियन का आप लोगों का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन न कराएं। स्कूल वाले वो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इस तरीके से बता देते हैं कि हम माता पिता की आंखों में एकदम धूल झोंक देते हैं। नहीं नहीं, एसी लगाया है, फैसिलिटीज़ है सारी, और हम नीचे रखते हैं, हमारी खुद टीचर खुद प्रिंसिपल ऊपर जाके देखती है, तो वो इस तरीके से समझाते हैं, तो इसलिए माता पिता आ जाते हैं बातों में, बच्चा है ना, बच्चा पढ़ाई करेगा इसलिए इनके यहाँ इनके स्कूल में लख देता है, तो क्या कर सकते हैं या नहीं भाई। आप लोगों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं? आपकी पढ़ते हैं? मेरी बेटी है इसमें, नहीं है वो पीछे वाले में, पीछे वाले में। उसकी क्या स्थिति है, उस स्कूल की क्या कंडीशन लग रही है आपको? अब तो मुझे डर लग गया उसे, इसको देख के तो मुझे भी डर लगने लगा है। अब तो मैं उसको निकालूंगी इस स्कूल से, मैं तो नहीं रहने दूंगी, नहीं इस काली बिल्ली सरकारी स्कूल में डालूंगी, मैं नहीं निकाल, क्योंकि हाँ स्कूल इनका ही तो है, वो भी उनका ही है। अच्छा, इन्हीं का स्कूल? हाँ जी, वो अगले जो स्कूल है, दो स्कूल जो बच्ची पढ़ रही है इन्हीं का स्कूल है। हाँ, इन्हीं का है, इन्हीं का ही, लेकिन डरना तो स्वाभाविक। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल अब नहीं रखना चाहती अपनी बेटी को, अब तो मैं निकालना चाहती हूँ इस स्कूल से, क्योंकि कल यहाँ पर मौजूद थे क्या? मैं था थोड़ा, अगले ब्रह्म काम कर रहा था। क्या देखा था आपने? मैंने देखा था आवाज़ आई थी, तो मैंने देखा छज्जा से अपने ब्रह्म काम में जो स्कूटर गिरी हुई है, वो स्कूटर है उसकी मालिक की गिरी हुई है, इसलिए मैं काम कर रहा था, उस समय मैंने केमिकल मंगाया था। अगर बाई चांस जैसे केमिकल लेने गए था बंदा, जो स्कूटर अभी गिरी है, 10 बजे बंद करी गई है, उसमें सर में चोट लगी थी। अब मैं छज्जा आकर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी, बिल्डिंग गिरी थी मेरी, जो अभी काम कर रहा था, मैं अगली बार काम कर रहा था। कितने मंजिल गिरी थी? 3 मंजिल, जो 2 मंजिल गिरी तो पूरी यार आवाज़ आई थी, तीसरी गिरी, हाँ तीसरी, 2 मंजिल गिरी है, 3 बनी भी हैं, 3 से ऊपर काम चल रहा था, 2 मिनट गिरी है। जब आए तो आप यहाँ पे पुलिस के टीम और आइए, कम से कम आधे घंटे के बाद में आइए, एक बंदा फंसा हुआ। घंटे बाद आई थी? नहीं, दो घंटे का आई, मतलब 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई है। उसके बाद में एक बंदा फंसा हुआ था ऊपर, जो हमको हाथ दे रहा था, लेकिन पुलिस वाले जो आए थे, पहले एक गाड़ी आई थी, उसके बाद में पुलिस वाले जाने का मना कर दिया था। पहली बात तो मलबा गिर रहा था ऑटोमेटो, उस एरिया से हम नहीं पहुँच पाए, मतलब हमका कोई भी नहीं पहुँच पाया उसमें। और जब मंदिर पर चढ़े, छत पर गए थे, जब देखा तो बंदा फंसा हुआ था, एक उसको हाथ में हिला रहा था बंदा, वो हाथ हिला रहा था, वो देख रहे थे हम, लेकिन देख रहे थे मजबूरी ये थी कि नहीं पहुंच पा रहे वहां पर ही। और कुछ लोग जो बता रहे हैं कि मतलब 12-13 आदमी काम कर रहे थे बिल्डिंग में, 3-4 तो मतलब सामने निकलेगा, 2-3 तो हमारे सामने निकल गए, बैग निकाल रहा था पल्ली गली से, उसका कोई बरबर वाले स्कूल उसका ही है, उसका ही बरबर वाला स्कूल है उसका ही है, वो भी उसमें निकाल दिया उसने 3 बंदे को। उनसे मालूम करिए हमने कितने बंदे फंसे रहे वहाँ पर, उन लोगों को जवाब दिया नहीं, वो चले गए डायरेक्ट। फिर पुलिस वाले कितने बजे आए? पुलिस वाले 1 घंटे के बाद में आए गए, फिर तो 1 घंटे के बाद, ये बगल में तो थाना है, थाना बगल में आए तो आए, तो 1 घंटे के बाद में आए ना, और उसके बाद फिर तो गाड़ी आए गए, फिर जो गए, फिर उसके बाद निकाले हैं,
तो तीन बंदे, तो एक तो सामने गिरा था हमारा, जो हम जो काम कर रहे थे, जब मैं ढक के देखा था तो एक तो दीवार के साथ साथ में आएगा था नीचे ही, जो बंदा आया था दीवार, जैसे दीवार गिरी है वैसे साथ में ही आएगा था, उसको तुरंत उठा दिया पब्लिक नहीं, उसमें पुलिस वाले कोई नहीं थे, ना कोई सरकारी कर्मचारी पुलिस वाले कोई नहीं थे उसमें, तो पब्लिक ने, जैसे हम लोग पब्लिक है और आम आदमी है, उन लोगों ने उठाया गया उसको ले गए थे, इतना मैंने देखा। और मकान मालिक जो हमारा मकान है वो आ रहा था केमिकल लेने के लिए, वो तो उसको चोट लगी, स्कूटर बंद भैया ये, जब मैंने देखा था इसका। कितने लोग घायल हुए? घायल तो बता जा रहे हैं कि 6 आदमी हैं करीब, 2-3 मतलब घायल जो होंगे। अब मेरे तो जो मरा एक तो बंदा, तो शायद जो पहले सबसे पहले गिरा था वो तो शायद जहाँ तो मैंने मरिएगा होगा, उसको भगवान ना करे जिंदा हुए मेरे सामने, लेकिन और लोग मैंने देखा नहीं है। एम्बुलेंस से जो जाते हुए देखी थी, जो लिखा रहे मेरे सामने, वो एम्बुलेंस से ला दे और चले गए, लेकिन उसकी हालत ख़राब थी कि मतलब स्थिति वो थी, हमने कह रहे हैं कि मर जाए वो, हम कहना जिंदा ही रहे हैं, ये सा है मेरे कहानी। मतलब तो कितने लोग अभी मारे गए हैं अभी तक, क्या खबर है? 4 की मैंने सुना है, 4 लोग मारे मेरे, हाँ मेरे साथ में 4 लोग, मतलब 4 जिस एम्बुलेंस गई हैं, 6 लोग उसमें फंसे हुए थे, 4 लोग मारे गए हैं, 2 लोग अभी जिंदा है। जिंदा तो हो सकते हैं, क्योंकि 12 आदमी काम कर रहे थे इन पर सुना है, क्योंकि ये कंडोटे मेरा भाई को जा रहा था प्लम्बर काम के लिए, लेकिन मेरे भाई की किस्मत सही है, क्योंकि मतलब काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसी लाइन हम भी इसी लाइन काम करते हैं, प्लम्बर काम मेरा भाई करता है, टाइल काम मैं करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अच्छा भाई रही जो मैं काम पर नहीं था इस जगह पर। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। क्या देखा आपने? देखा कि एकदम से मलबा गिर रहा है ऊपर से, उस टाइम गिर ही रहा था। हाँ गिर रहा था उस टाइम। पुलिस वाले लेट से आए थे क्या? नहीं, थोड़ी देर बाद ही आ गए थे, तुरंत आ गए। कोई बोला 1 घंटे बाद आए? हाँ सिविल, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, 15-20 मिनट बाद ही आ गए कॉल करते ही। क्या कहेंगे जिस तरीके से निर्माण चल रहा था उस निर्माण? देखो अनऑथराइज था ये, 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल स्कूल चला रहे 25-25 गज के प्लॉटों में, ये गलत है। खुला एरिया यानी कंजेस्टेड एरिया है ये, तो स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो गई थी 2 बजे, अगर उस टाइम हादसा होता तो कम से कम 150 बच्चे ख़त्म होते हर हाल में। तो दोस्तों एक बार आपको फिर से हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बिल्डिंग जो है वह तैयारी की जा रही थी। ये स्कूल की बिल्डिंग थी, 5वें मंजिल पे निर्माण चल रहा था, जिसका छज्जा गिर जाने की वजह से छज्जा गिर गया, और गिरने का वजह सबसे बड़ी जो चूक बताई जा रही है इसमें और लापरवाही बताई जा रही है वो ये है कि देखिए बिना पिलर के, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में पिलर लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है 3rd फ्लोर 4th और 5th फ्लोर उस पर पिलर नहीं लगाया, पिलर बिना पिलर के ही केवल दीवार के सहारे, वो भी 4 इंच दीवार के सहारे ही ये 5वीं मंजिल ऊपर से तैयार किया जा रहा था। गनीमत ये है कि ये 4:30 बजे की घटना है, अगर 2 बजे से पहले जब स्कूल के जब टाइम होता है उस समय अगर ये घटना घटित होती तो सोचिए क्या स्थिति होती इस समय। फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये लोहे का जो है वह बड़े बड़े लगे हुए थे इसमें, इसी के सहारे जो है ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर उस पाटे गए हुए थे और इस तरीके से निर्माण किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जब ये स्कूल है तो स्कूल की जो एक पैमाना होता है, एक सेफ्टी पैमाना होता है, उसका कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता थी, जिसका ध्यान जो है वह नहीं दिया जा रहा था, और ये बहुत बड़ी यहाँ के प्रशासन और अधिकारी जो यहाँ के हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है, जो कि लापरवाही के साथ ये कर रहे थे। मैं बार बार यही कहूँगा कि एक बार जरूर पेरेंट्स कम से कम स्कूल की एडमिशन को जरूर देखें तभी एडमिशन कहीं भी दे, क्योंकि इस तरीके से जो स्कूल है, कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जिस तरीके से आग लग गई थी और वहां पर किसी प्रकार की सेफ्टी का पैमाना का कोई ध्यान नहीं रखा गया था, इस तरीके से जो कंडीशन है वो जगह जगह दिल्ली में देखी जाती है, और ये बेहद दुखद है। केजरीवाल जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है और फिर जो उनके अंडर में MCD है उन सबको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।